Hey guys, press the bell icon and never miss a video from the Timeliners. सुनो, शाम के लिए ये साड़ी जो है ना, अच्छी लगेगी ना? अरे मम्मा, दवाई सब ठीक है ना? पानी पी रही थी, प्यास बहुत लग रही थी. मैं तीसरी बार चेक कर लिया यार, अब तो मान जाओ बुखार है. मैं तीसरी बार कह रही हूँ कि मुझे बुखार नहीं है. मतलब वो झूठ बोल रहा है? अरे ये तो है ही एक नंबर का झूठा. कॉलेज में कहता था ये मेरी बहन है और बहन हमारी बहू बन गई है. पर मम्मी मैंने इसे कभी भी भाई नहीं माना था. एक मिनट, मैं इसकी नहीं थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ. अरे चाइनीज माल है, वो कहाँ से सच बोलेगा. तो मम्मी मर्क्यूरी वाले पे चेक कर लो ना यार, वो तो आपका लाडला है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा. हाँ भाई कर लो कर लो, सब कर लो. चलो हो गया, सही है. आज तो मैं वो मसाज चेयर ऑर्डर करके ही छोड़ूंगा. हर रोज 5 मिनट टुक 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 टुक, मसल सारे खुल जाएंगे और बोन्स एकदम सेट. अच्छा, और जो मम्मा को जुकाम हुआ है उसका क्या? उसका क्या है, एक चाय पी लेगी ठीक हो जाएगा. हाँ। अरे भाई जतिन, तू छोटा था तब एक चाय बनाने को बोली थी बेटा, मिल जाएगी ना आज? अरे पापा ला रहा हूँ 5 मिनट. मैं बताऊ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मौसम ये जो चेंज हो रहा है ना उसका असर है. काली मिर्च की चाय पीऊंगी ठीक हो जाऊंगी. अरे मम्मी आपको काली मिर्च की चाय चाहिए, मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ. अरे भाई बोलो, जुकाम में महाशय ग्रीन टी बना रहे रे. ग्रीन टी पी कर हमें क्या वेट लॉस कर रहा है? पापा आप पी लो ना ग्रीन टी, आपको तो जरूरत भी है. देखो बाप को मोटा बोल रहा है, ये सब तुम्हारी गंदी परवरिश का नतीजा. मेरी एक सेकंड पापा, फोकस प्लीज. मैं तो समझता ही हूँ पहले. आराम से रहो, आराम से. लेकिन बेटा सचमुच मोटा हो गया हूँ. तो चलो ग्रीन टी मैं ही पी लेता. अरे जतिन ग्रीन टी मुझे दे दो और काली मिर्च वाली माँ को. अरे पापा फेंक दी मैंने ग्रीन टी. अब फेंक दी बेटा, एक बूढ़ा बाप है वीआरएस लिया हुआ इस घर में, कभी कभी उसको जाकर भी पूछा करो कि पापा आप ग्रीन टी पियोगे या नहीं पियोगे. हर सर चीज वेस्ट किया करता है ये लड़का. पापा आप ग्रीन टी बना लो और एक मेरे लिए भी चाय बना देना. देखा, अपने बाप को चाय बनाने के लिए बोल रहा है. ये सब तुम्हारी वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है सरना. अगर इसका छोटा भाई होता ना तो कम से कम मेरी बात तो मानता, लेकिन ये निकम्मा. अच्छा निकम्मे, अब ये तो बता ये लैपटॉप कैसे ऑन करूं, तो वो भी नहीं सिखाएगा मुझे. ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, तो मैं तो निकम्मा हूं ना, मुझे आता ही नहीं. देखा मेरी बात को मेरे सामने. एक सेकंड पापा, एक सेकंड शांत. मम्मी बीमार है ना, प्लीज फोकस. मैं भी कब से वही बोले जा रहा हूँ बेटा, 4 बार बोल चुका हूँ फोकस 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 फोकस, लेकिन ये निकम्मा मेरी बात सुनता ही नहीं. मैं कैसे नहीं, मैं तो चुप हूँ यार, आप सुन ही नहीं मेरी बात. इसे स्पेलिंग भी पता नहीं हो. जतिन मेरी बात सुनो पापा. अच्छा एक मिनट, बोल रही हूँ ना मम्मी बीमार है पापा. सरला तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम बीमार हो? क्यों मान लूं मैं बीमार हूं जब मैं बीमार नहीं हूं है, और आज तो मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं. रियूनियन. सुनो मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ, मैं रियूनियन की वजह से झूठ नहीं बोल रही हूँ. हाँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो, वो थर्मामीटर झूठ बोल रहा है. हो सकता है. हाँ, तुम्हारी जो छींक पड़ी है अभी वो झूठ बोल रही है. और पिछली 15 मिनटों से तुम अपने घुटने मलती जा रही हो, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल रही हो. देखो सरला, अब हमारी उम्र हो चली है, इनकी उम्र के हम थे तब तो टाइफाइड था, तब भी गए थे हनीमून पे. क्या क्या आप पापा हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? नहीं मतलब आप स्कूल तैर के जाते थे वो मैं समझ गया. हाँ। लेकिन ये स्टोरी मैं नहीं मानने वाला, ये तो झूठ है. ये सच है. हम लोग जब हनीमून पे गए थे ना तो इनको टाइफाइड हो गया था और इनसे मुझे भी हो गया. अच्छा सॉरी. अरे सॉरी की क्या बात है, टाइफाइड हो गया था और ये भी तो हो गया था. ऐसी बातें कर रहे हो, उसमें क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए हैं अब तो उम्र है उनकी एंजॉय करने की. अरे पापा मम्मी पे आओ ना यार, अब डिस्ट्रैक्ट मत हो. क्या मम्मी पे, जब मम्मी को कुछ हुआ नहीं तो मम्मी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सुनो मैं तुम लोग की बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रख सकती हूँ. अच्छा मेरी बात तो सुनो प्लीज. क्या? चलो मान लिया आपको कुछ नहीं हुआ, आया ही ठीक है, हम जाएंगे पक्का जाएंगे, लेकिन जस्ट टू बी श्योर हम एक बार तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं ना प्लीज. क्यों मैं डॉक्टर को क्यों दिखाएंगे, मेरा भाई लगता है कि ऐसे. यार मम्मी 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 ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा. तो क्या चाहता है तू,
मैं ऐसे कट लूं, जहर खा लूं। अरे यार पापा, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं ना। मतलब क्या हुआ? मैंने ऐसा कुछ। अच्छा भाई ठीक है, अगर तुम लोग को इसी बात में खुशी मिल रही है कि मम्मी डॉक्टर के पास जाए तो चलो, मैं बलि का बकरा बन जाती हूँ। चलो चलो चलो, तो डॉक्टर सोधी के पास चलते हैं। मैं फोन कर देता हूँ, तुम बेटा मेरी घड़ी ले। एक मिनट, डॉक्टर सोडी के पास मैं नहीं जाने वाली हूँ। क्यों? बिल्कुल नहीं, इससे बेटर है कि फुल स्पीड के पंखे के नीचे खड़ी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मुझे सूट ही नहीं करता तुम्हारा सोडी। अरे मम्मी, आपको कौन सा डॉक्टर सूट करता है? आपने कभी किसी डॉक्टर की तारीफ की है? नहीं। हाँ, डॉक्टर नम्रता कितनी सहज और समझदार है। मम्मी, डॉक्टर नम्रता आपकी बहन है, निमी मासी की आप कभी बुराई नहीं करोगे। किसने कहा? अरे निम्मी मासी के बारे में तो उसकी पीठ के पीछे क्या क्या बोलती है। फोकस बेटा, फोकस। अरे क्या करते हो तुम यार, क्या कर रहे हो? इतनी गॉसिप करवा के मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हो तुम? मैंने गॉसिप कहाँ की? अच्छा एक सेकंड, अच्छा पापा जाते हैं, एक सेकंड। अच्छा मम्मी, आपको नहीं जाना ना सोडी के पास? हम नहीं जाएंगे डॉक्टर सोडी के पास। हम ना बाहर जो डॉक्टर एस्कांत है ना, ना उनके पास। नहीं, उसके पास मैंने नहीं जाना। अरे बिल्कुल, नो नो नो। लो, उसके पास जाने का मतलब यह है कि वो लंबी सांस लेने को बोलेगा, 1500 का बिल बन जाएगा और पैरासिटामोल का पत्ता पकड़ा दिया जाएगा। और इतने सारे पड़े, पूरा मेडिकल स्टोर पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, मुझे मालूम है क्या करना है। अजय को फोन करते हैं और उसको पूछते हैं कि दिक्कत क्या है। पापा, अजय अंकल न्यूरोलॉजिस्ट हैं यूएस में। अरे तो क्या हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते क्या? अब वो बुखार ठीक नहीं कर पाएगा? डॉक्टर क्या वैसे ही लगा है नाम के आगे? स्वीटी बुआ को दिखाते ना, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ है। पीएचडी किया हुआ एग्रीकल्चर में, वो तो ठीक कर देंगे। देखो देखो जतिन, हमारे परिवार में कभी किसी ने ना बेटा अपनी बीवी के सामने मार नहीं खाई, लेकिन अब जतिन मुझे जल्दी से बात बताओ, वो जो साहिल है ना, उसने अपनी मम्मी के अपॉइंटमेंट ली थी ना, वो कहां से ली थी? प्रैक्टो से। हाँ, प्रैक्टो। डॉक्टर प्रैक्टो, क्या जानदार नाम है, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है सुनते ही। ये एनआरआई होगा? जी नहीं, एनआरआई नहीं है, ऐप है। ऐप है, और पापा को पता ही नहीं। हाँ तो तुम्हें भी पता था क्या? हाँ, मगर मैं बनती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक से पापा। ये देखो मम्मी, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप कोई भी इसमें से अपने मनपसंद का डॉक्टर चूज कर सकते हो। मम्मी इसमें ना सारे डॉक्टर हैं, उनकी फीस, रिव्यू, एक्सपीरियंस सब दिया हुआ है, और आपको घर के पास जो भी डॉक्टर अच्छा लगे ना, वो आप सेलेक्ट कर लो, हम उसके पास ले चलेंगे। अच्छा, बस मैं टीचर रही, मुझे भी मालूम है ये सब। ये मैं 6 बजे का अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, 8 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। डन। ये मुझे ना ये वर्मा सही लग रहा है। वर्मा तो पसंद आएगा ही उसे, कॉलेज में भी था एक वर्मा। एक मिनट, ये रियूनियन में भी आएगा ना वर्मा? कौन वर्मा मम्मी? बोलो बोलो, बताओ बेटा। वो अरे चुप क्यों हो यार? पापा बोलने तो दो उन्हें यार। मैंने कहा उसकी जीप पकड़ी है। अरे मम्मी, आपका बॉयफ्रेंड था क्या? हाँ। नहीं बेटा, ऐसा है कि शादी के पहले ना मेरी एक जगह ना सिर्फ बात चल रही थी, बस बात चल रही थी। बॉयफ्रेंड था? अरे तब से तेरे पापा ने उस बात का बतंगड़ बनाया हुआ है। बतंगड़ मैंने बनाया है ना? तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आज का प्लान कैंसिल कर दो, मत जाओ। वैसे भी बीमार हो ना तुम, डोंट गो। अरे क्यों कैंसिल कर दूं? प्रिया आ रही है, मोटी वाली शबनम आ रही है, कृपा तो मेरठ से आ रही है। वर्मा आ रहा है, आई नो। और तू इनकी बातों में नहीं आ, तू आगे से लेफ्ट ले, मुझे अपने बालों की प्रेसिंग करानी है, ले। ठीक है मम्मी, अब प्रेसिंग करवा रही है। अच्छा पापा, आप इतने जेलस क्यों हो रहे हो? मैं और जेलस, और वो भी उस वर्मा से। अरे 5 दिन नहीं नहाऊंगा ना, फिर भी मैं उससे ज्यादा हैंडसम लगूंगा। अच्छा ठीक है, नहाने के बाद में तो लगूंगा ही। अच्छा मम्मी सुनो यार, इन केस अगर डॉक्टर ने यू नो कुछ सीरियस बात बोली एंड कोई बैड न्यूज़ दी ना, तो प्लीज प्रॉमिस करो कि आप एग्जर्ट नहीं करोगे एंड कैंसिल कर दोगे इफ पॉसिबल। बेटा तेरी माँ ने ना असली घी खाया हुआ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, छुई मुई नहीं हूँ मैं औरों की तरह। हाँ अभी देखना किसकी छंड होगी। कराने पड़ेंगे, वायरल कैसे हो सकता है? एक हफ्ते का रेस्ट, मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ? मैं कभी होती नहीं हूँ बीमार। अरे यार मैंने तुमसे पहले भी कहा है सरला, तुम ये कपाल भाती करती हो ना, उसमें गलत सांस लेती हो, ऐसे बाहर पेट को फेंकना होता है। पापा पापा प्लीज प्लीज, अभी नहीं पापा प्लीज। मेरा तो रियूनियन मिस हो गया ना, 15 साल बाद हम लोग मिले थे, 15 साल बाद। देखो सल्ला, तुम उदास मत हो, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर तुम और मैं दोनों चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम, मनाली फिर से, हनीमून 2.0। और इस बार तुम्हारी सारी बीमारियां तुम मुझे दे देना। छी छी यार बाबा, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, प्लीज। देखो
ये सिंगल चाइल्ड का यही प्रॉब्लम है, दे जस्ट रिफ्यूज टू ग्रो अप। अरे ग्रो अप उल्लू का पट्टा। अरे उल्लू का पट्टा मुझे बोलो तो उल्लू कौन हुआ? मैं ही ना, ऑब्वियसली तेरे जैसी औलाद हो तो उल्लू तो मैं ही रहूंगा। मैंने नहीं बोला था टाइफाइड में करने को मुझे। अरे मैं टाइफाइड में करूं या डेंगू में करूं, तुझे से क्या? कहां जाएंगे? हां मनाली या शिमला? अरे यार पापा कुछ नया डिसाइड कर लो ना। हाँ तेरी तरह कसोल चले जाए आजकल के बच्चे। अच्छा अच्छा देखो भाई, मैं इतना ही कहना चाहता था कि अगर इसने मेरी बात मान ली होती तो बीमारी का पता पहले से ही चल जाता, इसलिए आप प्लीज लेट मत कीजिएगा और तुरंत प्रैक्टो पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। तो इसमें है डॉक्टर्स के प्रोफाइल और उनके साथ है उनके रिव्यूज, उनके एक्सपीरियंस, फीस, टाइमिंग्स और डिस्टेंस के साथ। तो इसमें आपको अपने लिए जो भी बेस्ट लगे जस्ट गो एंड बुक इट। एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू द टाइमलाइनर्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस। एंड टाइमलाइनर्स आ रहा है अपनी नई वेब सीरीज के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। अब ये सब जब हो गया है तो इसके साथ क्या अच्छा लगेगा बताओ? ग्रीन टी, काली मिर्च वाली चाय ले आओ। काली मिर्च पापा दो चाय।